दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड का फोटो काफी ज्यादा पुराना हो गया है या फिर सही नहीं आया है, बहुत ज्यादा डार्क आया है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने आधार कार्ड का फोटो चेंज करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि फोटो कैसे चेंज करना है आधार कार्ड का। तो मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊं जिससे आप लोग आसानी से अपने आधार कार्ड का फोटो चेंज कर पाए। तो वही चीज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना है एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहना है। दोस्तों, आधार कार्ड में फोटो चेंज करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। यहाँ पर आके आपको मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो कैप्चा दिया गया है इसे आपको यहाँ पर नीचे डाल देना है और आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे सिंपली यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने दोस्तों एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड में फोटो चेंज करने के लिए अपडेट आधार के ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो नेम दिया गया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सेम टू सेम नेम यहाँ पर डालना है। आधार नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है, 12 डिजिट का जो आधार नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों आपको इंडियन रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप अपने आधार कार्ड में क्या चेंज करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक के ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक में ही फ़ोटो चेंज होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। सब कुछ यहाँ पर आपको चेक कर लेना है और यहाँ पर आप देख लीजिए बायोमेट्रिक के अंदर आपको फोटोग्राफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हमारा फोटोग्राफ चेंज होगा, ठीक है, तो आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसे जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें डाउनलोड रिसिप्ट है और बुक अपॉइंटमेंट है। तो आपको सिंपली दोस्तों बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन होगा जहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां से अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों इनरोलमेंट सेंटर आ जाएंगे, यहां पर आप देख लीजिए। अब आपको इनके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक अपॉइंटमेंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाते हैं, किस डेट को आप अपना फोटो चेंज कराना चाहते हैं, तो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट आपको सही लगे उस डेट को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अलग अलग टाइमिंग भी आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डेट के ऊपर क्लिक करेंगे टाइमिंग आएगा, तो कोई भी एक टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 100 रुपये का चार्ज लगेगा फोटो चेंज करने के लिए, तो और ये पेमेंट आपको सेंटर में ही देना है, ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होगा, तो आपको कन्फर्म करना है। जैसे आप इसे कन्फर्म करेंगे आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, डाउनलोड कर लेना है या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को लेकर आपने जहाँ का अपॉइंटमेंट बुक किया है वहाँ पर आपको जाना है। एड्रेस आपके अपॉइंटमेंट लेटर में होगा जिसका आपने प्रिंट आउट निकलवाया है, उसी एड्रेस में जाएंगे। 2 मिनट के अंदर दोस्तों आपके आधार कार्ड का जो फोटो है उसे अपडेट कर दिया जाएगा और 7 से 8 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में नया फोटो अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड का जो फोटो है ये ऑनलाइन चेंज नहीं होता, इसके लिए दोस्तों आपको सेंटर ही जाना पड़ता है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम डायरेक्ट सेंटर क्यों ना चला जाए, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो आपको बताऊं अगर आप डायरेक्ट सेंटर जाएंगे तो वहां से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म को भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपका नंबर कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, बहुत ज्यादा आपका समय वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया वो पूरा का पूरा कर लो, उसके बाद वही उसका एक आपको प्रिंट आउट, यानी कि प्रिंट आउट आप साइबर कैफे में जाके निकलवा सकते हैं, वो लेके बस आपको आधार सेंटर जाना है जहां कभी आपने अपॉइंटमेंट लिया है। जाते दोस्तों मात्र 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा, आसानी से आपके
आधार कार्ड का फोटो चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस में दोस्तों लगभग 7 से 8 दिन लग जाता है, या फिर कई बार इससे पहले ही हो जाता है, कई बार जैसे 2 से 3 दिन में हो जाता है। मैंने चेंज करवाया था तो मेरा 3 दिनों में ही हो गया था, तो हो सकता है आपका भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, एंड अगर आप एक नए व्यूअर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।